दोस्तों वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो है सो वो स्टाफ नर्सेस के लिए वैकेंसी आ गई है। दोस्तों आप नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हो, ये रही नोटिफिकेशन नंबर, आप देख सकते हो एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी है। मगर दोस्तों इसमें बोला भी गया ये भी कि जैसे ही आगे, जैसे कि अगर पैंडेमिक थर्ड वेव वगैरह आता है तो वो भी आपकी जॉब लग सकती आगे रहेगी, और हो सकता है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब करते करते परमानेंट हो जाओगे। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और हो सके तो आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों फ्रेंड्स में, और बीच में आप कमेंट नहीं करोगे मेरे को ये समझ में नहीं है वो, आप प्रॉपर वीडियो को देखिए उसके बाद आप कमेंट करें कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, समझने में क्या कठिनाइयाँ हो रही है। और दोस्तों चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों 91% लोग वीडियोज़ देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और हम इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये नोटिफिकेशन जो है से पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ के लिए, मेडिकल स्टाफ इन मेडिकल डिपार्टमेंट टेम्प्रोरी बेसिस COVID-19 के निकाली गई है, जो कि 8/6/2021 को निकाली गई थी, जो कि COVID-19 पैंडेमिक डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल प्रतापनगर वडोदरा वेस्टर्न रेलवे के द्वारा कंडक्ट की जाएगी, जो कि वॉक इन इंटरव्यू होगी। दोस्तों ये वॉक इन इंटरव्यू है, सो आप देख सकते हो टोटल 3 मंथ की पीरियड रहेगी। मैंने बता दिया कि आगे बढ़ भी सकती है ये, तो आप लोग टेंशन नहीं ले। और सैलरी दोस्तों, सैलरी की बात नहीं करें, वैसे आपने थंबनेल पे सैलरी देख लिया होगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं, पोस्ट के बारे में बात करते हैं, कितने पोस्ट कौन किसके लिए रखी गई, कौन सी कैटेगरी की रखी गई। नमस्कार दोस्तों, मैं MD इंजमाम शादी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पैथो ट्यूटोरियल में। दोस्तों पोस्ट के बात करने से पहले हम सबसे पहले जाने थे एप्लीकेशन फॉर्म का क्या फॉर्मेट वगैरह उसके बारे में। यहाँ पर जो आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ द पैरामेडिकल पोस्ट ऑन वडोदरा डिवीजन वेस्टर्न रेलवे। दोस्तों वेस्टर्न रेलवे जो कि आपको पता है रेलवे जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट की जाती है वो, तो ये जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जॉब लगेगी इसमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फोटो वगैरह करना, यहाँ पर आपकी नेम वगैरह जो डिटेल्स है आप तो भर लेना, ये सब आप जो भी कैटेगरी वगैरह है, साथ में प्रूफ भी अटैच करना है उसके, और साथ में इसमें भी बताया गया है प्रूफ वगैरह, एग्जामिनेशन ईयर पासिंग से अगर आपकी कुछ एक्सपीरियंस वगैरह तो वो भी डाल सकते हो एक्सपीरियंस इफ एनी, तो ये यहाँ पर देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर नेम ऑफ द कैंडिडेट वगैरह, फिर ये है फॉर्म फॉर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST के लिए ये है, तो ये SC ST वाले अपना जो भी उनको पढ़ लेंगे वो। और नीचे एक है OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट, OBC जो आते हैं कैटेगरी उनके लिए है, तो अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये OBC के लिए है, तो ये जो कैटेगरी है। अगर दोस्तों आपको बुक्स वगैरह चाहिए, ये वॉक इन इंटरव्यू, तो इसमें आपको किसी भी तरह का एग्जाम वगैरह का देने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से, वो लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट वगैरह कुछ भी हो, नर्सिंग वगैरह या कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई के लिए, तो जिस सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। इससे चैनल की थोड़ी हेल्प हो जाती है, और आप परचेज कर ले तो बेटर होगा, हमारे लिंक से जरिए चैनल की थोड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी इस तरफ से। और दोस्तों अगर आपको हैंड सैनिटाइजर, मास्क वगैरह, ऑक्सीमीटर, BP मॉनिटर, स्पायरोमीटर वगैरह ये सब चाहिए तो वो भी आप जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ईयरफोन्स फोन्स वगैरह भी चाहिए तो परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो परचेज कर सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं, चलिए हम लोग उल्टा तरफ से चलते हैं। प्लेस इंटरव्यू जो होगा सर आपका प्रताप नगर, वो जो एड्रेस बताया गया था रेलवे हॉस्पिटल डिविजनल में होगा, प्रताप नगर वडोदरा 4 में। टाइम ऑफ इंटरव्यू 5:10 से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन टाइम 9 AM से लेकर 12 AM तक होगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC EWS वगैरह, फिर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ वर्किंग, वो था हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई में आप देख सकते हो कैसे अप्लाई करना, टू एलिजिबल एंड वेलिंग द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू वेन्यू मेंशन द अलोंग द एप्लीकेशन फॉर्म, द फॉर्मेट अटैच ड्यूली इनक्लोज नेसेसरी अटेस्टेड कॉपी टर्मिनेशनल्स एंड प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन इंटरव्यू ड्यूरिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू को ड्यूरिंग आपको जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैरी करना है। द कैंडिडेट शुड बी ब्रिंग 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो अलॉन्ग विद देम, आपको करेंट फोटो चाहिए जो, तो 2 चाहिए पासपोर्ट, आप 3, 4, 5 रख लेना। SC कैंडिडेट बिलोंग्स SC ST ब्रिंग द लेटेस्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाई द कंपोनेंट्स ऑफ द अथॉरिटी, जो आपके SC ST वाले वो उसका अपने सर्टिफिकेट लेकर जाए। द कैंडिडेट मे नॉट बी द मे रिक्वायर द स्टे फॉर 1 और मोर डे रिक्वायर्ड फॉर विच
दे विल मेक ऑन माई अरेंजमेंट। अगर आपको रुकना पड़ रहा है वहाँ पर रुकना पड़ सकता है तो आप खुद का अरेंजमेंट कर ले। नो टी ए डी ए विल बी एडमिजिबल टू द कैंडिडेट अटेंडिंग इंटरव्यू। तो ये सब आप लोग देखते हैं, ये यहाँ पर कुछ बताई गई है टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि थोड़ा आप पढ़ लेना। ये हाउ टू अप्लाई था इसलिए मैंने पढ़ लिया, थोड़ा ये वीडियो लंबी जगह इसलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ये देखिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो बताई गई है उसके लिए कैटेगरी क्वालिफिकेशंस तक स्टाफ नर्सेस के लिए पूरी वैकेंसी है तो वो पहले ही आपको पता है। इसमें सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्सिंग नर्स एंड मिड वाइफ हैविंग पास 3 ईयर कोर्स जनरल नर्सिंग जिसको GNM बोलते फॉर द स्कूल ऑफ नर्सिंग या अदर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज इंडिया फॉर द BSc नर्सिंग काउंसिल या BSc नर्सिंग। नोट द इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज टू ऑल्सो लेट डाउन द सर्टन स्पेशल कंसेशन फॉर एवव कोर्स रिस्पेक्ट एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स एंड बी ग्रेड नर्सेज बाई द वाई वे ऑफ रिड्यूस कोर्स पीरियड। इट इज द कैंडिडेट The candidates obtains the qualification prescribed above under the concessions will also be eligible for requirement। यहाँ पर एज लिमिट जो बताई गई 20 से 40 साल। ये जो वैकेंसी निकाली गई वो मेडिकल क्लासिफिकेशन C1 है रखी गई। जब अब सैलरी की बात करते हैं, सैलरी ऐसे आपने देख लिया फिर भी बता रहे हैं यहाँ पर सैलरी 44,900 लेवल सेविंग के अकॉर्डिंग मिल रही है जिसमें आपको अलाउंस भी मिलेगी विद। अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट हमारा है कैटेगरी में टोटल स्टाफ नर्स के लिए टोटल 18 वैकेंसी, SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 5, URA EWS के लिए 7, टोटल 20 से लेकर 40 से। और लास्ट डेट जो है 21/6/2021 के लास्ट डेट है। 5 साल आपको SC ST वाले को रिलैक्सेशन दी जाएगी, 3 साल OBC वाले को रिलैक्सेशन दी जाएगी। दोस्तों ये थी आज की वैकेंसी, आई होप कि आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया। अगर किसी भी तरह का डाउट होगा आप कमेंट कर ले, नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर ले और वहाँ पर जरूर फॉलो कर। और दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, फेसबुक अकाउंट को फॉलो करें और हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर ले। दोस्तों बुक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट तो आप जाकर परचेज कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर में रहे, सेफ रहे और आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया तो वैक्सीन लगवा लें आप। और दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह प्रॉब्लम हो, किसी भी अन्य टॉपिक से प्रॉब्लम हो जो मेडिकल पैरामेडिकल फील्ड से रिलेट करता हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। स्टे होम स्टे सेफ एंड गाइज प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड द सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक।